हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सिंपली सेड। आज वीर रस पे कविता कर रहा हूँ मैं। आज ही के दिन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, वो हम कभी भुला नहीं सकते। तो आज की जो कविता है वो डेडिकेटेड है हमारे सोल्जर्स के लिए, जो सरहद पे खड़े हुए अपनी जान की परवाह किए बिना दुश्मन से लड़ते रहते हैं। तो ये मैंने आज सुबह ही लिखा है, इसके लिए मैं आपको ये पढ़ के सुना रहा हूँ। तो कुछ इस तरह से है, जब सिपाही का सीना छलनी करने के बाद भी उसके इरादे तोड़ ना पाई वो 2 इंच की गोली, तो कुछ रुआंसा सा होकर रूठ कर वो गोली कुछ ऐसे बोली, तू क्यों नहीं प्राण त्याग देता अब, क्यों इतना दर्द सह रहा है। अभी गोली के प्रेस्टीज की बात है। वो कहती है, तू क्यों नहीं प्राण त्याग देता अब, क्यों इतना दर्द सह रहा है। तो उसका जवाब भी सिपाही ने कुछ ऐसे दिया कि तूने अपना काम किया, अब मुझे मेरा करने दे, तूने अपना काम किया, अब मेरा मुझे करने दे, मेरा हिंदुस्तान मेरी रगों में बह रहा है, मेरी माँ का दूध मुझसे ये कह रहा है, तुझे ये आजादी तोहफे में नहीं मिली है। मेरा हिंदुस्तान मेरी रगों में दौड़ रहा है, मेरी माँ का दूध मुझसे ये कह रहा है, तुझे ये आजादी तोहफे में नहीं मिली है, इसको पाने के लिए अनगिनत लोगों ने कुर्बानी दी है, आज मैं दुश्मनों को निराश नहीं कर सकता। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस देखो आप, ब्रेवरी देखो उसकी। वो कहता है, मेरा हिंदुस्तान मेरी रगों में दौड़ रहा है, मेरी माँ का दूध मुझसे ये कह रहा है, तुझे ये आजादी तोहफे में नहीं मिली है, इसको पाने के लिए अनगिनत लोगों ने कुर्बानी दी है, आज मैं दुश्मनों को निराश नहीं कर सकता, आज मैं दुश्मनों को निराश नहीं कर सकता, बिना 10-20 को मारे मैं मर नहीं सकता। तो गोली फिर से 2 आंसुओं के साथ अब बोली, तो फिर मेरा क्या। अब गोली यूजलेस फील कर रही है कि भाई मैंने तो अपना काम कर दिया, बट ये इसके इरादे कुछ अलग ही। तो 2 आंसुओं के साथ बोली, तो फिर मेरा क्या। तो फिर वो हिंदुस्तानी सूरमा फिर उसका जवाब देता है, तू व्यर्थ ना उदास हो, इसमें हार तेरी नहीं बस जीत मेरी है, तू व्यर्थ ना उदास हो, इसमें हार तेरी नहीं बस जीत मेरी है, मेरा सीना जलियों वाला बाग की दीवार है, जो हजारों गोलियां खाकर भी वहीं खड़ी है, मैं उस लक्ष्मीबाई की तलवार हूं जो अंग्रेजों से अकेली ही लड़ी है, मैं प्रताप के नेजे की वो धार हूं जिसकी मार से दुश्मनों की विशाल सेना मूर्छित पड़ी है, मैं शिवाजी का पराक्रम हूं जिसके आगे कभी कोई ना टिका है, मैं अपनी माँ की वो अरदास हूं जो आज खुद मेरे वापस आने की जिद में खड़ी है। अब उस गोली के पास कुछ कहने को ना था, अब उसे भी अपने पे गुमान हो चला था कि चलो कम से कम ऐसे योद्धा से मिली, तो वो भी गुमान कर रही है अब कि वाह मैं कहां जाके लगी हूं। तो उसको भी लग रहा है, मैं कम से कम ऐसे योद्धा से तो मिली, कहीं जिस बुजदिल ने मुझे छुप कर चलाया था उससे मुलाकात हो जाती तो इस गौरवशाली देश के इस महान वीर से ऐसे शौर्य गाथा ना सुन पाती। तो एक छोटी सी कविता मैंने बनाई सिर्फ आज के लिए, बट ये हर दिन हर रोज हम सबको याद रखनी चाहिए कि आज हम जो भी हैं, बहुत लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है, हमें इस आज़ादी को इतनी आसानी से नहीं लेना चाहिए, आज हमें भूलना नहीं चाहिए कि हमने क्या क्या कुछ नहीं सहा है इसको पाने के लिए। तो मैं इसको ख़त्म करते हुए, सिर्फ मुझे नाम याद नहीं है बट किसी कवि ने बहुत खूब कहा है, मैं जब मर जाऊं मेरी अलग एक पहचान लिख देना,
मैं जब मर जाऊं मेरी अलग एक पहचान लिख देना, मेरी पेशानी पर मेरे ही लहू से हिंदुस्तान लिख देना। जय हिंद, जय भारत।